हेलो गाइस, वेलकम टू पैंथर टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज के ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें हम एक ग्राफिक कार्ड का रिव्यू एंड अनबॉक्स एंड फुल स्पेसिफिकेशन जानने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास रहेगी। और आप भी अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली एक नई वीडियो अपलोड होती रहती है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इस रिव्यू में हम देखने वाले हैं इसका फुल अनबॉक्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और इसकी पूरे ब्रांडिंग के बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन से ग्राफिक कार्ड अच्छे। यू सर्च माय चैनल पैंथर टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन यूट्यूब एंड क्लिक टू बेल टू ऑन नोटिफिकेशन माय न्यू वीडियोस सब्सक्राइब। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट साइड की। तो फ्रंट साइड पर इसमें हमें देखने को मिलता है राइट, लेफ्ट साइड पर हमें देखने को मिलता है ज़ोटेक की ब्रांडिंग एंड राइट साइड पे हमें जोन एडिशन देखने को मिलता है, और उसके जस्ट नीचे हमें दिख जाता है एनवीडिया GT710 एंड इसके लेफ्ट साइड में हमें देखने को मिलता है 2GB DDR3 का ग्राफिक कार्ड। उसके बाद हमें टॉप पर देखने को मिलता है ज़ोटेक की ब्रांडिंग एंड साइड में लिखा हुआ रहता है इसके पुश द लिमिट, मतलब आज इसमें थोड़े हाई ग्राफिक्स से गेम भी प्ले कर सकते हैं। और इसके फिर हमें सबसे नीचे की साइड देखने को मिलते हैं कुछ बार कोड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ज़ोटेक GT710 जोन एडिशन 2GB DDR3 ग्राफिक कार्ड। और यहाँ पर हमें कई सारी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ मिल जाता है कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो इस बॉक्स के अंदर हमें मिलेगा ज़ोटेक का ग्राफिक कार्ड एंड ड्राइवर इंस्टॉलेशन डिस्क एंड मल्टी लैंग्वेज इंस्टॉलेशन मैनुअल। तो इसमें हमें तीन चीज़ मिलेगी अंदर बॉक्स के अंदर। और इसके बाद हम यहाँ पर इसके साइड की बात करें तो इसके जो साइड में हमें देखने को मिलते हैं कुछ इंपोर्ट कहाँ से किया गया है, इसका एड्रेस, आइटम नेम एंड आइटम कोड, क्वांटिटी, MRP, मैन्युफैक्चर एंड एड्रेस। और यहाँ पर हमें सारी, मतलब इसकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल दिख जाती है, आप इसे अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर इसमें प्राइस लिखी है 4927, पर ये इतने का नहीं है, ये आपको 3200 के अंदर पड़ जाएगा आपको, कभी आप अपने नज़दीकी स्टोर से ख़रीदते हैं तो। और चलिए इसके नीचे भी फिर हमें एनवीडिया GeForce GT710 की एनवीडिया की ब्रांडिंग दिख जाती है। उसके बाद हम इसके अदर साइड की ओर चलें तो अदर साइड में यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखता है, ऊपर की ओर हमें लिखा हुआ दिख जाता है ज़ोटेक जोन एडिशन एंड एनवीडिया का चिपसेट, और उसके बाद नीचे की ओर ज़ोटेक.com। फिर हमें फ्रंट साइड पर आ जाते हैं तो फ्रंट साइड में हमें लेफ्ट साइड की ओर ज़ोटेक एंड राइट साइड की ओर जोन एडिशन, और जोन एडिशन का है तो ये मतलब कुछ अच्छा ही वर्क करेगा। और इसके बाद हमें इसके जस्ट नीचे की ओर देखने को मिलेगा एनवीडिया GeForce GT710। ये एनवीडिया की ब्रांडिंग देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें एनवीडिया का चिपसेट यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एनवीडिया का चिपसेट, एनवीडिया की ग्राफिक कार्ड सबसे बेस्ट रहते हैं अभी तक के, और ये मैंने यूज़ करके भी देखा है काफ़ी बेस्ट रहता है। फिर हमें लेफ्ट साइड की ओर मिल जाता है 2GB DDR3 का एक ब्रांडिंग, ये 2GB है। उसके बाद हमें जस्ट नीचे की ओर यहाँ पर फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हमें बारकोड्स देखने को मिलेंगे और प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिटेल और बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है ये देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हम अदर साइड की ओर चलते हैं, अदर साइड की ओर हमें कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, आप यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हैं इसे। और हमें फिर इसकी अदर साइड में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पर हमें कुछ इंपोर्टेड कहाँ से हुआ है एड्रेस इसका, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ज़ोटेक GT710 जोन एडिशन 2GB 64-bit DDR3 ग्राफिक्स कार्ड। आइटम कोड भी हमें मिल जाता है ZT-71302N20L। तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी में यहाँ पर बनी है, MRP का जैसा मैंने आपको बताया कुछ उसी टाइप का है, पर MRP आप इसकी थोड़ी कम हो गई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी इसे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट साइड की ओर। तो नेक्स्ट साइड में हमें यहाँ पर जैसे कि बताया ज़ोटेक पुश द लिमिट, हमें ये ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पर इसकी। उसके बाद फ्रंट साइड पर और यहाँ पर बैक की ओर, अब यहाँ पर बैक काफ़ी अच्छा है इसका और काफ़ी स्टाइलिश भी है। यहाँ पर हमें तीन पिक्चर्स देखने को मिलती है, और सबसे ऊपर GeForce GT710 लिखा हुआ दिखता है हमें। उसके बाद आप चाहें तो ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप पुश करके पढ़ सकते हैं वीडियो को।
अब यहाँ पर इसने जो फर्स्ट इमेज है इसमें लिखा है फास्ट मल्टीमीडिया। तो फास्ट मल्टीमीडिया का मतलब होता है कुछ हाई ग्राफिक्स एप्लीकेशंस को रन करवाना और फुल एचडी वीडियो ये आपके पीसी में शो करवाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट मल्टीमीडिया है ये, तो आपको इसमें फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट एंड और हाई लेवल ग्राफिक्स वाले सॉफ्टवेयर, गाइस आप इसमें मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इस ग्राफिक कार्ड को पहले ही अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं आपको इमेजेस से इसे पूरा डिस्क्राइब करूँगा। तो इसके अनबॉक्सिंग की ओर बढ़ते हैं हम। तो इसके अनबॉक्सिंग की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें हम एक एनवीडिया का से भी इसे कंपेयर करेंगे और मैं इसका आपको गेम्स का भी रिव्यू बताऊंगा। तो उसके बाद हमें जैसे ही हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं तो हमें एक इंस्टॉलेशन डिस्क और इंस्टॉलेशन गाइड मिलती है। इंस्टॉलेशन डिस्क का मतलब है ग्राफिक ड्राइवर, तो आपको इसमें ग्राफिक ड्राइवर मिलेगा। उसके बाद जो आप ग्राफिक कार्ड दिखेंगे वो कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, सेम ही है, सेम पिक। और उसके बाद यहाँ पर तो आपको तीन पोर्ट मिल जाएंगे। तो ये तीन पोर्ट हैं डुअल लिंक DVI, HDMI एंड VGI। तो आपको इसमें तीन आपको LCD से अपने कनेक्ट करने के लिए मिल जाएंगे। और इसमें आपको कुछ एक चार्ट दे रखा है मैंने, इस चार्ट में आपको शो होगा कि क्या ये 720p पर आपके किस टाइप के गेम इसमें रन हो जाएंगे और किस टाइप का रिजोल्यूशन देगा। तो आपको इस चार्ट से पूरा समझ में आ गया होगा और मैं आपको कुछ गेम्स के पिक्चर भी बता देता हूँ जिससे आपको पूरी तरीके से यकीन हो जाए। गाइस ये GTA 5 गेम है जो मैंने अपने PC में रन करवाया है। ये GeForce GT710 का ही है और मेरा जो प्रोसेसर है वो Pentium है। तो इसमें इसने बिल्कुल लो ग्राफिक्स में इस गेम को बिल्कुल स्मूथली रन करवा दिया था GTA 5 को। और मैं आपको कुछ और गेम्स का बता देता हूँ। तो गाइस सेकेंड गेम है Deadpool। इस गेम को मैंने एक्स्ट्रा ग्राफिक्स पर रन किया है अपने PC में और काफ़ी स्मूथली रन हुआ है ये गेम। और इस गेम को अभी मैं प्ले कर रहा हूँ अपने PC में एक्स्ट्रा ग्राफिक्स पे। और इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था, उसकी भी पिक्चर बता देता हूँ मैं, उस ग्राफिक कार्ड आसूस NVIDIA GT 610। ये ग्राफिक कार्ड मैं यूज़ कर रहा था। तो इसमें मैंने एक डेडपूल गेम प्ले किया था तो वो बिल्कुल लो ग्राफिक्स पे मैंने रन करवाया था, जब जाकर वो स्मूथली रन हुआ था। तो यह ग्राफिक कार्ड ZOTEC GT 710 बेस्ट ग्राफिक कार्ड है आपकी लो प्राइस के बजट में। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं कुछ कंप्यूटर रिलेटेड और कुछ रिव्यूज़ करूँगा तो आपको वो देखने में इंजॉय फील होगा थोड़ा। और इस वीडियो के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनाने से पहले ही अपने डिवाइस में, अपने CPU में ग्राफिक कार्ड को इंस्टॉल कर लिया था, इस कारण से मैं उसका अनबॉक्स नहीं बना पाया, मतलब अनबॉक्स और उसे मैं आपको रियल में नहीं दिखा पाया। पर आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।